सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने इनवर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और जहां हमने तीन या चार प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, तो आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं एक नोट के साथ। लेट अस बिगिन विद अ नोट। तो लास्ट टर्न पर हमने जो पढ़ा था, ये पढ़ा था कि इमेजेस दैट एफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, दैट इज़ व्हाट वी हैड डन इन द लास्ट लेक्चर। तो आज हम उसी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में यही बता दिया कि एक दूसरे के इनवर्स इमेजेस क्यों होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो अब द इम्पॉर्टेंट नोट इज द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन वाई इक्वल टू ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स lie on a line y equal to x or on a line with slope minus 1. They lie on a line y equal to x or they lie on a line with slope minus 1. Let us see why. ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। किसके अबाउट? वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो मिरर इमेजेस हैं, तो ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर सकते हैं? दे कैन ओनली इंटरसेक्ट ऑन द मिरर देमसेल्व्स। दोनों सिर्फ मिरर पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इंटरसेक्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, पहले वो भी देखें। मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है वाई इक्वल टू एफ एक्स का और एक ग्राफ है वाई इक्वल टू जी एक्स का, एंड सपोज दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ए कॉमा बी, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। सो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, देन आप देखें ए कॉमा बी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा? बी के बराबर, और जी ऑफ ए भी किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा, क्योंकि ए कॉमा बी इसके ग्राफ पर भी है, इसके ग्राफ पर भी है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें एक्स को ए रख दूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए हो जाएगा, तो इक्वेशन विल बी सैटिस्फाइड। सो फ्रॉम हियर वी कैन इन्फर वन थिंग, दैट इफ यू वांट टू सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स देन यू शुड फाइंड देयर मीटिंग पॉइंट्स। वो कहाँ कहाँ मीट करते हैं, जहां जहां वो मीट करेंगे एवरी मीटिंग पॉइंट विल बी अ प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशन फॉर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। यानी जहां जहां वो मीट करेंगे वहां वहां एफ एक्स और जी एक्स इक्वल होंगे। एक तरीके से देयर इज अ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। यानी जितने मीटिंग पॉइंट्स हैं उतने ही सॉल्यूशंस होंगे, और जितने सॉल्यूशंस हैं उतने ही मीटिंग पॉइंट्स होंगे, और एवरी मीटिंग पॉइंट विल बी अ सॉल्यूशन एंड एवरी सॉल्यूशन विल बी अ मीटिंग पॉइंट, दैट इज व्हाट वी गेट। तो अब हमें यहां पर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना है, यानी हमें इनके मीटिंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब मीटिंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं, एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं वाई इक्वल टू एक्स में। इमेज और ऑब्जेक्ट कहां मिल सकते हैं वो हमें सोचना है। इमेज इमेज और ऑब्जेक्ट कहां मिल सकते हैं हमें ये सोचना है। तो देखें, आपने ये तो हमेशा देखा होगा कि आप कभी भी मिरर के सामने खड़े होते हैं, सपोज यू स्टैंड 1 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, देन द इमेज देन योर इमेज स्टैंड 1 मीटर बिहाइंड दिस मिरर। वो इस मिरर के कितना पीछे बनेगी? 1 मीटर पीछे बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं यू मीट योर इमेज, यू वॉन्ट टू मीट योर इमेज, आप अपने आप अपनी इमेज से मिलना चाहते हैं, तो तरीका क्या होगा? आप अपना हाथ उठाकर मिरर पर रख दो, तो इमेज भी अपना हाथ उठाकर मिरर पर रख देगी, और जब इमेज भी अपना हाथ उठाकर मिरर पर रख देगी तो दोनों का मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। दैट विल बी द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑफ द टू, यू एंड योर इमेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज और ऑब्जेक्ट अगर मिलना चाहते हैं तो मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है? मिरर पर। दे कैन मीट ऑन द मिरर। तो यहां से एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के जो सॉल्यूशन होंगे, यानी जो मीटिंग पॉइंट्स होंगे, वो किस पर मिलेंगे? y इक्वल टू एक्स पर मिलेंगे। तो आई होप ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई आराम से। दैट इज ऑल द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स विल लाई ऑन y इक्वल टू एक्स, बट देर इज एन एक्सेप्शन टू इट ऑल्सो।
दे मे ऑल्सो लाइन लाई ऑन अ लाइन विद स्लोप माइनस वन. देखिए रियल लाइफ में तो क्या है, रियल लाइफ में तो जो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, वो सब के सब मिरर पर ही लाई करते हैं, क्योंकि हम इमेज के, हम मिरर के बाहर हैं और इमेज हमारी मिरर के अंदर है. लेकिन फंक्शन की दुनिया में ऐसा नहीं होता. यहाँ लाइन वाई इक्वल टू एक्स क्या है, मिरर है. वाई इक्वल टू एफ एक्स कौन है, ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट मिरर को काट कर अंदर भी जा सकता है. आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं. ये लाइन है वाई इक्वल टू एक्स एंड दिस इज एफ एक्स, ये एफ एक्स है. तो आप देख रहे हैं क्या हुआ, ये इसको काट कर कहाँ चला गया, उधर अंदर भी जा सकता, दोनों तरफ जा सकता, इट कैन बी ऑन द आइदर साइड ऑफ वाई इक्वल टू एक्स. लेकिन आप तो मिरर के अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन ग्राफ घुस सकता है. इसलिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल चीज़ हो रही है. एक्सेप्शनल चीज़ क्या हो रही है, द ऑब्जेक्ट कैन एंटर इनसाइड द मिरर एंड द इमेज कैन कम आउटसाइड द मिरर. क्योंकि जब आप उसका इमेज लेंगे तो इमेज कैन कम आउटसाइड द मिरर एज वेल. इस कारण से कुछ नए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल सकते हैं एंड दोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल ऑलवेज लाई ऑन अ लाइन विद स्लोप माइनस वन. वो जितने भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो एक ऐसी लाइन पर लाई करेंगे जिसका स्लोप कितना होगा, माइनस वन होगा. तो कुछ को समझ में आया. अब मैं इसको पूरा समराइज कर दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है कि y इक्वल टू एफ एक्स और एफ इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हैं. एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के जो सॉल्यूशन हैं वो या तो y इक्वल टू एक्स लाइन पर लाई करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ मिल सकते हैं, मिरर पर. या फिर दे विल लाई ऑन अ लाइन विद स्लोप किस पर, विद स्लोप माइनस वन. और ऐसा क्यों होगा, why will such points be obtained, ऐसे points क्यों मिलेंगे, क्योंकि function की दुनिया में the object can enter inside the mirror and the image can come outside the mirror, both way mobility is allowed, due to which some extra points of intersection may be obtained. अब सवाल उठता है ऐसा कब होगा, क्या ये point of intersection हमेशा मिलेंगे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है. ये वाले points of intersection कब मिलते हैं, they lie on a line with slope minus one. देखें ये तब मिलते हैं, कई बार फंक्शन में क्या होता है, f में a रखो तो b आता है और b रखो तो a आता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स, इसमें आप x को जीरो रखो वन आएगा, x को वन रखो जीरो आएगा, जीरो पर वन, वन पर जीरो, a रखा b आया, b रखा a आया. तो जब ऐसा होता है तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, एफ के ग्राफ पर आएगा. और यहां से पता चलता है बी कॉमा ए बिलोंग्स टू एफ, ये भी एफ के ग्राफ पर आएगा. ए डालने पर बी आया, बी डालने पर आया, तो ए कॉमा बी एफ के ग्राफ पर है, बी कॉमा ए भी एफ के ग्राफ पर है. लेकिन अगर ए कॉमा बी एफ के ग्राफ पर है तो बी कॉमा ए एफ इनवर्स के ग्राफ पर होगा, और अगर बी कॉमा ए एफ में है तो ए कॉमा बी एफ इनवर्स के ग्राफ पर होगा. तो यहां से एक चीज समझ में आ गई, क्या ए कॉमा बी दोनों के ग्राफ पर है, ए कॉमा बी लाइज ऑन बोथ. और दूसरी चीज समझ में आई कि बी कॉमा ए ऑल्सो लाइज ऑन बोथ. तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पी ओ आई लिख रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x आर क्या हो गए, a कॉमा बी एंड b कॉमा a, ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गए. अब चलो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप निकालते हैं. व्हाट इज स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग a कॉमा बी एंड b कॉमा a, इट विल बी a माइनस b डिवाइडेड बाय b माइनस a एंड दैट इज नथिंग बट माइनस वन. सो यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ किस पर लाई करें, एक ऐसी लाइन पर लाई गई जिसका स्लोप कितना है, माइनस वन है. और ऐसा कब होगा, जब फंक्शन में a रखने पर b आए और b रखने पर वापस क्या आ जाए, a आ जाए, तब ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा. दूसरा एक चीज और देखें, a कॉमा b और b कॉमा a y इक्वल टू x के अलग अलग तरफ हैं. यानी अगर फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है वो y इक्वल टू x लाइन के दोनों तरफ मौजूद है, इट इज, इट लाइज ऑन बोथ द साइड ऑफ द लाइन y इक्वल टू x, देन सच पॉइंट्स कैन अकर, तब ऐसे पॉइंट्स अकर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, सच पॉइंट्स कैन अकर. लेकिन अगर पूरा का पूरा ग्राफ y इक्वल टू fx का मिरर के एक ही तरफ है, इट डज नॉट एंटर इनसाइड द मिरर, तब हमारी दुनिया और उसकी दुनिया में कोई फर्क नहीं है,
तब तो सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां मिलेंगे, y इक्वल टू x लाइन पर ही मिलेंगे, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हमारा ग्राफ y इक्वल टू fx का ग्राफ y इक्वल टू x लाइन के दोनों तरफ मौजूद है, तब ऐसे पॉइंट्स मिलने की आशंका है, ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं। और वो किस पर लाई करेंगे, दे विल लाई ऑन अ लाइन विद स्लोप -1। आई होप ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जहां तक हमने कर लिया उसके आगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस डू द फर्स्ट प्रॉब्लम। इफ एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड as fx equal to x cube plus a plus 2 x square plus 3ax plus 5 be an invertible mapping। ये कैसी मैपिंग है, इन्वर्टेबल मैपिंग है। Find range of A। तो ये मैपिंग कैसी दे रखी है, इन्वर्टेबल दे रखी है, और हमें रेंज ऑफ ए फाइंड करनी है। तो आर टू आर है तो क्लियरली फंक्शन कैसा है, ऑन टू तो है, दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। हम जानते हैं इन्वर्टेबल का मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, तो एफ इज इन्वर्टेबल इफ f is 1 1 and on 2, it is already on 2, we have to prove that it is also 1 1, hame prove karna hai ki kaisi bhi hogi 1 1 bhi hogi। to 1 1 prove karne ke liye koi continuous function 1 1 kab hota hai, jab wo ya to strictly increasing ho ya strictly decreasing ho, to f dash x find karte hain, to f dash of x will be equal to 3x square plus 2 into a plus 2 into x प्लस 3a, यह आया एफ डैश एक्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एफ डैश एक्स फॉर अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वेयर इक्वालिटी टू जीरो मे होल्ड एट सम सेट ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स, एंड फॉर अ डिक्रीजिंग फंक्शन इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, अगेन वेयर इक्वालिटी मे होल्ड एट सम सेट ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स। तो अगर मुझे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए for all x belonging to R, या फिर less than equal to zero होना चाहिए for all x belonging to R, लेकिन ये possibility नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखें this is an upward parabola, an upward parabola, upward opening parabola can never be always less than or equal to zero, क्योंकि आप एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला को कहीं भी रख लें, कहीं पर भी रख लें, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला को कितनी भी नीचे रख लें, कभी ना कभी तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा ही जाएगा। सो इट मीन्स द सेकंड केस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव एन अपवर्ड पैराबोला, सो ओनली दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल कब होगा, आपको पता है ये पॉसिबल तब होता है जब ए ग्रेटर देन जीरो, वो तो है ही, जब इसका डी लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। डी का मतलब कितना हुआ, फोर ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री ए इंटू थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, कैंसल आउट हुआ, तो ये हुआ ए स्क्वायर नाइन ए माइनस फाइव ए प्लस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया ए बिलोंग्स टू वन टू फोर। तो अगर ए वन से फोर होगा तो ये फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा यानी इन्वर्टेबल होगा, हमसे ए की रेंज ही पूछी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और करते हैं। So let us do another problem. Let fx
equal to x, then 8 root x, x square, then it is x square, then it is 8 root x. This is when x is less than 1, this is when x is between 1 and 4, and this is when x is greater than 4. You have to find f inverse of x. हमें इसमें f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है. हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड तो किया है, y इक्वल टू fx रखते हैं और फिर वहां से हम x की वैल्यू निकाल दें इसकी टर्म्स में, x y की टर्म्स में, और फिर जब x की वैल्यू y की टर्म्स में आ जाती है तो y को रिप्लेस कर देते हैं x से और x की जगह हम लिखाते हैं y या फिर f इनवर्स ऑफ x. तो यहां पर अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है तो मैं y इक्वल टू fx रख लेता हूं. y इक्वल टू fx रखने का मतलब है x इक्वल टू y, x स्क्वायर इक्वल टू y, 8 रूट x इक्वल टू y. और ये कब है? जब x लेस देन 1 हो. ये तब है जब x 1 से 4 हो, और ये तब है जब x 4 से बड़ा हो. सो दिस इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू लिखूँ, अब x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? y. यहाँ से वैल्यू आई रूट y, और यहाँ से वैल्यू आएगी y स्क्वायर बाय 64. ये वैल्यू आएगी, देख लो. अब यहाँ y की रेंज आएगी. अब y, जब x और y इक्वल है और x 1 से छोटा है तो y भी 1 से छोटा होगा. जब x स्क्वायर इक्वल टू y है तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 से 16, तो y की वैल्यू 1 से 16. यहाँ पर x 4 से बड़ा है तो ये पूरा 16 से बड़ा होगा, तो y ग्रेटर दैन 16. समझ में आ गई कैसे लिखा है? तो इसका मतलब अब y की जगह पर तो क्या रख देंगे? x. तो x रूट x, x स्क्वायर बाय 64. और ये कब? जब x लेस देन 1. ये तब जब x 1 से 16 हो, और ये तब जब x 16 से बड़ा हो. दैट इज f इनवर्स ऑफ x इक्वल. सो यू गॉट f इनवर्स ऑफ x. समझ में आ गया? एक बार अच्छे से देख लें. 5 सेकंड देता हूं, देख लो अच्छे से क्या क्या किया है इसमें. चलिए अब एक प्रॉब्लम और करते हैं. F, comma G are two bijections. Are two bijections such that F from 0 to infinity to 2 to infinity. And fx equal to x square plus 2. And g from 2 to infinity to 4 to infinity. And gx is 2x plus 1. तो यहाँ मेरे ख्याल से 5 टू इन्फिनिटी होना चाहिए. ठीक है. सो फाइंड एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स ऑफ 23. दैट इज व्हाट इज टू बी फाउंड. एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स ऑफ 23, ये हमें फाइंड करना है. तो चलिए देखते हैं. तो F inverse composite G inverse, हमें पता है इट इज नथिंग बट G composite F का होल इनवर्स. तो अगर हम F inverse composite G inverse of X बोलें, and that will be nothing but G composite F का inverse of X.
So this implies F inverse composite G inverse of 23 will be equal to Goff inverse of 23. मान लेते हैं ये alpha है. So it means Goff of alpha equal to 23. यानी कुल मिलाकर हमें वो alpha find करना है जिस पर Goff की value 23 हो जाए. अब यहाँ आते हैं, ये समझ में आ गया ना क्या यूज़ किया हमने, वो थ्योरम यूज़ की जो हमने पढ़ी थी. तो Goff of अल्फा, तो g ऑफ f अल्फा इक्वल टू 23. नाउ व्हाट इज f अल्फा? इट इज g ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 23, एंड दिस विल बी नथिंग बट 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 23. तो ये हो गया 2x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 23. 2x स्क्वायर, सॉरी 2x square plus 5 is equal to 23. तो यहाँ से आपके पास x square is equal to 9. तो x की दो वैल्यू आ गई, minus 3 और plus 3. ये दो वैल्यू आई. अब आप याद करें कि Goff alpha अपना इनपुट कहाँ से उठाएगा? F की डोमेन से उठाएगा. Goff alpha will pick up its input from domain of F. What is domain of F? 0 to infinity. So this implies, तो यहाँ पर हमने अल्फा रखा था यार, अल्फा रख लो सब जगह, अल्फा रख लो, एक ही बात है, भावनाओं को समझो. तो यहाँ से आ गया अल्फा और ये भी अल्फा. तो अल्फा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, दिस इम्प्लाइज अल्फा शुड बी इक्वल टू 3. सो दैट इज द आंसर. आई होप ये क्लियर हो गया. बिल्कुल दोबारा से देख लो क्या करना था. हमें फाइंड करना था एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स ऑफ 23. तो एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स ऑफ 23 अगर हमें फाइंड करना है, तो इस केस में हम देख सकते हैं कि F inverse composite G inverse हमें पता है कितना होता है, Goff का इनवर्स होता है. तो यानी F inverse composite G inverse of X is equal to Goff inverse of X. तो F inverse composite G inverse of 23, X ये 23 रख दिया, मान लेते हैं अल्फा है. अगर ये अल्फा है तो Goff अल्फा इक्वल 23. अब अगर Goff अल्फा इक्वल 23 तो Goff अल्फा कैलकुलेट करके अल्फा निकाला. अल्फा की कितनी वैल्यू आई? दो, एक माइनस 3 और एक प्लस 3. कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी? 3 एक्सेप्ट होगी, क्योंकि अल्फा किसको बिलोंग करता है? डोमेन ऑफ एफ को बिलोंग करता है. क्योंकि ध्यान करो कि Goff विल बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, ये ए टू बी, ये बी टू सी, तो वो ए टू सी होगा. ठीक है, चलिए. तो 3 आंसर आ गया. उम्मीद है समझ में आया होगा ये इलस्ट्रेशन में. आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं. You have to find in this case the next one. ये देखते हैं. You have to solve एफ एक्स इक्वल टू, कहाँ मर गया, एक मिनट ज़रा क्वेश्चन ढूंढ लें, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है वो. तो यू हैव टू, चलो एक क्वेश्चन ऐसे ये लिखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं. एफ एक्स F inverse of X चलो फिर छोड़ो, ये नहीं मिल रहा. तो लेट F फ्रॉम R टू R एंड G फ्रॉम R टू R बी टू वन वन, बी टू वन वन and on two functions. Such that they are mirror images of each other with respect to line
y equal to 2. If capital Fx equal to Fx plus Gx, then find f of 0, capital F of 0. ये करना है. तो सोचें आप, डू योर सेल्फ, करें खुद से. ये दोनों वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, लेकिन ये मिरर इमेजेस हैं. किसके अबाउट? y इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट. और आपको क्या फाइंड करना है? यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0. तो आप करके देखें खुद से ये प्रॉब्लम. तो चलिए देखते हैं, अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है. चलिए देखें, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे की इमेजेस हैं. किसके अबाउट? y इक्वल टू एक्स के अबाउट. तो अगर ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट एक दूसरे की इमेजेस है, तो किसी भी अल्फा पर, जैसे मान लीजिए मैं ये f का ग्राफ ले लेता हूँ, ये है, एंड सपोज ये g का ग्राफ है. ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स और ये ग्राफ है y इक्वल टू जी एक्स. पूरा आर टू आर है, वन वन है. आप देख सकते हैं अगर ये फंक्शन सिमेट्रिक हैं, ये दोनों एक दूसरे की इमेज हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर सेम होगा. ये और ये इक्वल होगा, दीज टू विल बी इक्वल. यानी एट एनी एक्स, दिस इज एक्स एक्सिस, एट एनी एक्स यू विल हैव दिस, ये पूरा डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस इक्वल होगा. यानी अगर मैं इस डिस्टेंस को अल्फा कह दूं, तो मैं कह सकता हूं कि किसी x इक्वल टू ए पर, एट एनी x इक्वल टू ए, व्हाट वी विल हैव, f ऑफ ए विल बी 2 प्लस अल्फा एंड f ऑफ g ऑफ ए विल बी 2 माइनस अल्फा. सही बात है, 2 से अल्फा ऊपर और ये 2 से अल्फा नीचे. सो दिस इंप्लाइज व्हाट इज f ऑफ a प्लस g ऑफ a, इट विल ऑलवेज बी 4. क्यों? अल्फा और अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f ऑफ a और g ऑफ a दोनों को जोड़कर आंसर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. तो अगर इसका मतलब, तो f कैसा फंक्शन हो गया? दिस इंप्लाइज कैपिटल f x इज इक्वल टू 4 फॉर ऑल x. सो व्हाट इज f ऑफ 0? दैट विल बी 4. सो दैट इज व्हाट वी हैव यूज्ड द सिमेट्री रिफ्लेक्शन. ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे, बिल्कुल जैसे एफ और एफ इनवर्स मिरर इमेजेस होते हैं, लेकिन वो किसके अबाउट होते हैं? वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेजेस होते हैं. ये दोनों किसके अबाउट मिरर इमेजेस है? वाई इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट मिरर इमेजेस है. चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 3/2 टू इंफिनिटी and this is a function from 7/4 to infinity and fx is equal to x square minus 3x plus 4. Solve fx equal to f inverse of x. ये equation हमें solve करनी है, ठीक है? तो let us solve this equation. ये equation solve करते हैं. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने के लिए, हमें पता है कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो किस पर लाई करते हैं? या तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन पर लाई करते हैं, या फिर दे लाई ऑन अ लाइन विद स्लोप माइनस वन. तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो अगर आप देखें इसका वर्टेक्स 3/2 पर आएगा. And that is how the graph will be. It will be an upward parabola. तो अब हमें पता है कि सॉल्यूशन किस पर लाई करेंगे? y इक्वल टू एक्स लाइन पर लाई करेंगे. y इक्वल टू एक्स लाइन पर किसके सॉल्यूशन लाई करेंगे? एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के. तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग
एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स वी सॉल्व, क्या सॉल्व कर लेंगे हम? एफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्यों? हम दो ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, किसके? एफ एक्स के और वाई इक्वल टू एक्स के, वाई इक्वल टू एफ एक्स के और वाई इक्वल टू एक्स के, क्योंकि जैसे हम दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, जहां जहां एफ एक्स और वाई इक्वल टू एक्स मिलेगा, जहां ऑब्जेक्ट मिरर से मिलेगा, वहां वहां इनवर्स भी मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो इनके मीटिंग पॉइंट्स हो ही जाएंगे। यानी आप तो कुल मिलाकर ये फाइंड आउट कर लें, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यू शुड फाइंड वेयर डज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्ट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, वाई इक्वल टू एफ एक्स और वाई इक्वल टू एक्स को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स वी सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स। जैसे हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर इज, ये क्या बन गया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई, इट मीन्स एक्स इज टू। और कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, एक ही आया, तो वाई इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो लाइन इसके ग्राफ को टू पर टच करके जा रही होगी, दिस इज थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू पर देखो वैल्यू कितनी आ रही है, सेवन बाई फोर फंक्शन में, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, और देख रहे हैं आप पूरा का पूरा ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के एक ही तरफ है। इसका मतलब यहाँ पर वो जो दूसरे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन थे जो किस पर लाई करते थे, एक ऐसी लाइन पर जिसका स्लोप माइनस वन था, वो वाले सॉल्यूशन इसके अंदर एक्सिस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज द ग्राफ लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू, लाइज ऑन वन साइड ऑफ द लाइन y इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्या हर बार जब ग्राफ क्रॉस करेगा ऐसे सॉल्यूशन होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर ग्राफ y इक्वल टू एक्स को क्रॉस करता है देन सच सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट, जो किस पर लाई करें, ऑन अ लाइन विद स्लोप माइनस वन। और वो फाइंड कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे, एफ ए इक्वल टू बी और एफ बी इक्वल टू ए, सॉल्व फॉर ए एंड बी। तो ये हो गया, तो जो इनवर्स बनेगा, अगर मैं यहाँ इनवर्स भी थोड़ा सा बनाऊँ, तो इनवर्स देखो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा एंड दिस इज, दैट इज हाउ इट विल, तो ये इनवर्स का ग्राफ हो गया। तो ये दोनों कहाँ मिले, दे मीट ऑन दिस लाइन एट एक्स इक्वल टू टू, तो ये हो गया वाई इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो आज के बाद जब एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना होगा, तो आप सिर्फ किसको सॉल्व करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को, यानी कुल मिलाकर क्या फाइंड कर लेंगे कि वो ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स लाइन को कहाँ कट करता है। एक क्वेश्चन और करते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो एक और देख लेते हैं, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड इन्वर्टेबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 2x minus 3 divided by x minus 2 is equal to 5x minus 2, x not equal to 2, find f inverse 13, आपको f inverse 13 की वैल्यू बतानी है, 13, ठीक है, तो f inverse 13 अगर आपको बताना है, तो क्या करना चाहिए, what you should do, हमारे पास f ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो सोच के बता, सोच लें आप खुद करके देखें, क्या आपको हिंट मिला, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पुट 5x माइनस 2 इक्वल टू 13, जैसे आप इसे 13 रखेंगे तो x हो गया 15 3, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3, तो पुट x इक्वल टू 3 इन 1 कौन सा, ये इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 1 में रख दो, तो x को 3 रखा तो कितना हुआ, 6 3 बाय 1 इज इक्वल टू 13, तो f ऑफ 3 इक्वल टू 13,
व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ 13? दैट विल बी 3. क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा. एक बार देख लें. तो चलिए हटा देते हैं. तो एक प्रॉब्लम और करते हैं. लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम 0 to ∞ to minus infinity to 1 closed. Fx equal to 1 minus x square. Solve. Fx equal to f inverse of x. अब ये प्रॉब्लम आप अच्छे से देखिएगा. ये प्रॉब्लम मैं ढूंढ भी रहा था क्या है. तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है. हमें क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना है. तो आपके पास एफ एक्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स 0 से इन्फिनिटी है ही अपने पास में. तो इस केस में जब आप फंक्शन कंसिडर करेंगे, सो आई हैव द फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बिल्कुल ठीक है. तो क्या करना चाहिए, आप इसका इन्वर्स फाइंड कर लें. 1 माइनस एक्स स्क्वायर को y रखें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस y. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 1 माइनस y. तो f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू, अब x पॉजिटिव नंबर है तो क्या लेंगे, 1 माइनस x. नेगेटिव रिजेक्ट कर देंगे. नेगेटिव क्यों, क्योंकि x वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो x कैन नॉट बी नेगेटिव. तो पॉजिटिव ले लिया. तो आप फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का रूट रख लें. तो जब आप ये रखेंगे तो आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स. सो दैट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स. तो ये 1 कैंसिल आउट हो गया. तो आपके पास यहाँ आ गया x की पावर 4, तो x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इंटू x इक्वल टू 0. तो x की एक वैल्यू तो 0 आ गई और x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब देखो x 1 रखकर ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसके फैक्टर हो गए, x माइनस 1 एक फैक्टर होगा. तो आप इसे x माइनस 1 से क्या करें, डिवाइड कर लें. तो जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. तो एक वैल्यू तो आ गई 1 और एक वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 और 1 5 अपॉन 2. यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के जो सॉल्यूशन आए, therefore fx equal to f inverse x के सॉल्यूशन जो आए वो आ गए, एक तो आ गया x equal to 0, एक आ गया x equal to 1 और एक आ गया माइनस 1 प्लस रूट 5 by 2. यही आएगा, तीन सॉल्यूशन आएंगे. आप सोच के बताएं कि माइनस 1 माइनस रूट 5 by 2 को क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो डोमेन में, f की डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि f की डोमेन है 0 से इन्फिनिटी. तो इफ इट इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 पर क्लोज लगाए तो सॉल्यूशन 0 आ गया और एक सॉल्यूशन क्या आ गया, 1 आ गया और एक सॉल्यूशन आया माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2, क्योंकि माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि वो f की डोमेन में नहीं है. तो आपने देखा यहाँ कितने सॉल्यूशन आ गए, 3. दीज आर 3 सॉल्यूशंस. और
इनमें से अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे कि आपने तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया, एक नई तरीके से किया। नई तरीके से क्या कि हमने क्या किया, एफ इनवर्स एक्स ही फाइंड कर लिया। जब हमने एफ इनवर्स एक्स ही फाइंड कर लिया तो वंस वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, देन वी कैन डायरेक्टली इक्वेट देम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। यानी अगर आपके पास एफ इनवर्स एक्स सॉल्व, एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने लायक हो तो आप एफ इनवर्स एक्स फाइंड कर लें एंड देन पुट एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एंड देन सॉल्व। वो जो दूसरा तरीका है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर एफ इनवर्स एक्स लगाना, एफ इनवर्स एक्स निकालना आसान है तो बेटर रहेगा आप उसे सीधा निकाल के एफ एक्स के इक्वेट कर दें, दैट वुड बी बेटर इन दिस केस। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर कि हमें तो दूसरे तरीके से करना है, तो चलो दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। लेट अस सी द सेकंड वे ऑफ डूइंग इट। ये क्लियर हो गया ना? तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या बताया कि बेटा अगर एफ एक्स दिया है और एफ इनवर्स एक्स आराम से निकल सकता है तो एफ इनवर्स एक्स निकाल लो और एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मेथड टू, दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में आप ये देखें, वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा विल बी दिस, और ये y इक्वल टू एक्स लाइन। अब ये लाइन तो क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है ग्राफ को, और अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन सिर्फ ये होना चाहिए। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अगर y इक्वल टू ये एफ एक्स है और ये y इक्वल टू एक्स है, तो अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन चाहिए तो वो सॉल्यूशन किस पर मिलना चाहिए, वाई इक्वल टू एक्स पर मिलना चाहिए। यानी यही पॉइंट सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग में साथ में घंटी बजनी चाहिए, वो क्या, ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। इसलिए हो सकता है कुछ और सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करें, हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो यहां सबसे पहला काम क्या करेंगे, वी सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स। पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले से पिछले में, कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स वी विल सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू x, तो आप fx equal to x को सॉल्व कर लें, तो 1 minus x square equal to x, तो x square plus x minus 1 equal to 0, तो x equal to minus 1 plus root 5 by 2, और दूसरा minus 1 minus root 5 by 2, और ये बताया था पिछली बार, ये खत्म हो गया, तो x equal to minus 1 plus root 5 by 2 is the answer। अब देखो, अगर आपने यही छोड़ दिया तो आपके पास एक ही आंसर आया, जबकि आपने देखा अभी कि उसके दो आंसर्स और थे, वो क्या थे, 0 and 1, टू आंसर्स वर देयर, मोर टू आंसर्स वर देयर, लेकिन वो यहाँ तो आए नहीं। यहाँ क्यों नहीं आए, क्योंकि ग्राफ इसको क्रॉस कर रहा है, तो हो सकता है दूसरे आंसर्स भी हो जो कि एक लाइन पर लाई करें, इसका स्लोप कितना हो, -1। तो आप क्या करें, पुट एफ ए इक्वल टू बी एंड एफ बी इक्वल टू ए। मैंने बताया था ना, ऐसे आंसर कब आते हैं, जब f में a डालने पर b आए और b डालने पर a आ जाए, तो f a इक्वल टू b, तो दिस मीन्स 1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू b एंड दिस इज 1 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आएगा b माइनस a, b प्लस a इज इक्वल टू b माइनस a। तो हम तो b माइनस a को उड़ा दो, क्यों उड़ा दो, क्योंकि हम वो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो y इक्वल टू x लाइन पर लाए नहीं करते, यानी a और b बराबर नहीं हो सकते। तो b प्लस a कितना आ गया, या a प्लस b कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस a। अब ये वैल्यू उठाकर इस फर्स्ट रिलेशन में रख देते हैं, तो पुट इन 1, तो ये हो गया 1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a, ये कैंसिल आउट हुआ, तो a इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 या फिर 1। तो इसका मतलब a 0, b कितना आएगा, 1, a 0, a को 0 रखोगे इसमें b कितना आ गया, 1, और a को 1 रखोगे तो b कितना आ गया, 0, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और क्या हो गए, POI 0, 1 AB एंड 1, 0। तो इसलिए fx इक्वल टू f इनवर्स x के सॉल्यूशंस क्या हो गए, एक सॉल्यूशन तो हो गया माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2, और दूसरे सॉल्यूशन होंगे ये वाला x कोऑर्डिनेट और ये वाला x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट के, तो दैट इज x की वैल्यू चाहिए ना, इसलिए तो एक 0 हो गया और एक 1 हो गया, तो तीनों सॉल्यूशन आ गए।
तो इस एग्जाम्पल में आपको ये समझ में आ गया कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किस पे लाई करें, वाई इक्वल टू एक्स पर लाई करें, कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके अलावा भी लाई कर सकते हैं, किस पर, एक ऐसी लाइन पर जिसका स्लोप माइनस वन हो, और आप देख लो 0,1 और 1,0 को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप देख लो, इट विल बी माइनस वन. सो दैट इज इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन अच्छे समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है, ये क्लियर है बिल्कुल. तो आगे बढ़ते हैं, ये हटा रहा हूं मैं. अब सो नेक्स्ट दैट वी विल बी स्टडिंग इज पीरियोडिक फंक्शन. Now let us see what is a periodic function. आपने हेलीज कॉमेट के बारे में सुना होगा. What is हेलीज कॉमेट? हेलीज कॉमेट एक ऐसा कॉमेट है जो अर्थ को हर 76 ईयर्स के बाद क्या करता है, विजिट करता है. आपने सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड पढ़ा होगा. तो ऐसे मोशंस जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा, तो ऐसे मोशंस जो पीरियोडिकली रिपीट करें वो पीरियोडिक मोशंस कहलाते हैं. फंक्शंस भी पीरियोडिक हो सकते हैं. ऐसे फंक्शंस जो एक डेफिनेट अंतराल के बाद, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करें, ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस. सो दोज फंक्शंस विच रिपीट देयर वैल्यू आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स आर नोन एज पीरियोडिक फंक्शंस. कोई एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, बिल्कुल साइन एक्स. साइन एक्स इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन. इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ लेंथ ऑफ 2π. साइन ऑफ 2π प्लस एक्स is back again sin x. cos का पीरियड, cos भी पीरियोडिक है, वो भी कितने के बाद रिपीट करता है, 2π के बाद. क्यों? cos of 2π plus x is cos x. cos of 2π plus x is back again cos x. यानी के 2π इंटरवल के बाद cos की वैल्यू अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है. tan is also periodic because tan of π plus x is tan x. so the value of tan repeats itself after intervals of π. so periodic function की अगर हम बात करेंगे, if we talk of periodic function, so a function f is said to be periodic if there exists a positive number t such that f of x plus t is equal to f x for all x and x plus t in domain of f. यानी कि f of x plus t वापस क्या आना चाहिए, f x आना चाहिए. तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, पीरियोडिक कहलाएगा. और यहां ध्यान रखें, कैसा नंबर होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. अगर एक पॉजिटिव नंबर के ऐसा हो t जिसके लिए f of x plus t बराबर क्या आ जाए, वापस f x आ जाए, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, पीरियोडिक कहलाएगा. दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड एज अ पीरियोडिक फंक्शन. जैसे साइन के केस में साइन ऑफ x प्लस 2π इज साइन x, टैन के केस में टैन ऑफ π प्लस x इज टैन x. सो देयरफॉर ऑल सच फंक्शंस आर पीरियोडिक. तो आई होप ये पीरियोडिक की डेफिनेशन आपको अच्छे समझ में आई होगी कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या हैं. और यहाँ पर ये भी लिखा गया कि x और x plus t दोनों कहाँ होने चाहिए, डोमेन में होने चाहिए. यानी अगर x डोमेन में है तो x plus t भी डोमेन में होना चाहिए. ठीक है, तो ये क्लियर हुआ. द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू of such a t is called the fundamental period. Is called the fundamental period of f. उसको क्या बोलते हैं, fundamental period बोलते हैं. अब जैसे यहां मैं function लिख लूं, sin cos tan, और इनके रेसिप्रोकल्स तो वैसे ही रहे, साइन सेक ये कोसेक, इसी तरह से यहाँ सेक यहाँ कॉट, ये सब के सब पीरियोडिक हैं. और इनका पीरियड
अच्छा पीरियड या फंडामेंटल पीरियड आर यूज इंटरचेंजेबली, यानी फंडामेंटल पीरियड देखो साइन का पीरियड, अब जरा समझना, साइन का पीरियड 2 पाई भी है लेकिन साइन का पीरियड 4 पाई भी है, साइन 4 पाई प्लस एक्स साइन एक्स, उसका पीरियड 6 पाई भी है साइन 6 पाई प्लस एक्स साइन एक्स, तो उसका पीरियड 2 पाई भी है 4 पाई भी है 6 पाई भी है 8 पाई भी है, ऑल दीज आर पीरियड्स ऑफ साइन, बट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीरियड 2 पाई, सो 2 पाई विल बी कॉल्ड एज द फंडामेंटल पीरियड और जस्ट द पीरियड, तो व्हाट आर द पीरियड्स ऑफ दिस, दिस इज 2 पाई, दिस इज अगेन 2 पाई, दिस इज पाई, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स भी पीरियोडिक है, उसका पीरियड कितना होता है 1, आपको याद होगा फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ, तो जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ में आप पाएंगे हमेशा एक रिपीटिंग पैटर्न होगा, रिपीटिंग पैटर्न क्यों होगा, क्योंकि उनके ग्राफ, क्योंकि उनकी वैल्यूज रिपीट करती हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनके ग्राफ में एक रिपीटिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया जाएगा बार बार, जैसे ये फिर ये, अब जरा समझें इस एग्जाम्पल के थ्रू, दिस इज इट, सो दिस इज 0 1 2, दिस इज -1 -2, दिस इज y=1 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y=2 फ्रैक्शनल ऑफ x, तो ये ग्राफ कैसा है, पीरियोडिक है, रिपीटिंग पैटर्न है, रिपीटिंग पैटर्न का मतलब क्या है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें, इस पार्ट को यू कॉपी पेस्ट, दिस पार्ट कॉपी करा और फिर आगे पेस्ट कर दें, फिर आगे पेस्ट कर दें, पीछे पेस्ट कर दें, पूरा का पूरा ग्राफ बनता चला जाएगा, सो द होल ग्राफ विल बी जनरेटेड बाय जस्ट वन पार्ट ऑफ द ग्राफ, और वो पार्ट कौन सा लेना है, देखें ये कितने के बाद रिपीट होता दिखाई दे रहा है, 1 के बाद, तो आपने एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट मेजर किया, 1 यूनिट मेजर किया और उसके ऊपर का जो ग्राफ था उसी को आगे पीछे ट्रांसलेट करते चले जाओ, कहीं से भी 1 यूनिट का लेंथ उठाओ, उसके ऊपर जो ग्राफ हो 1 यूनिट का लेंथ उठा लिया, ये उठा लिया, कोई सा भी ग्राफ उठा लिया, उसे आगे पीछे ट्रांसलेट करते चले गए, विल गेट द एंटायर ग्राफ, तो पीरियोडिक फंक्शंस की खासियत क्या है कि उनके ग्राफ में हमेशा एक रिपीटिंग पैटर्न होता है, दैट इज हाउ द ग्राफ्स लुक लाइक, तो यानी आप किसी ग्राफ को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि वो पीरियोडिक है कि नहीं है, अगर उसके ग्राफ में क्या हो, एक रिपीटिंग पैटर्न हो, तो वो पीरियोडिक फंक्शन होंगे, तो अभी जो मैंने आपको कहा इसको थोड़ा और विस्तार से सुने, मेरे पास ग्राफ है साइन एक्स, I have the graph of sine x. That is the graph of sine x. इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड है 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद देखो अगर आप ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ग्राफ, ये वाला ग्राफ इसको कॉपी कर लें और आगे पेस्ट कर दें, फिर इसको और आगे पेस्ट कर दें, पूरा ग्राफ बन जाएगा, इसी को उठा के पीछे पेस्ट कर दें, पूरा ग्राफ बन जाएगा, तो आप कितने लेंथ पर, 2 पाई लेंथ पर कहीं से भी ग्राफ काट लें और उसे आगे पीछे ट्रांसलेट कर दें, उसे आगे पीछे चिपकाते चले जाएं, जैसे आप कहोगे सर क्या 2 पाई हमेशा ऐसे ही लेना है, नहीं देखो ये पाई बाई 2 ले लो और ये 5π/2 ले लो, अब आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट लोगे, यू विल टेक दिस पार्ट, अब इस ग्राफ को आप सोचो, इमेजिन करो यहां से उठाया आगे चिपका दिया, तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, देख यहां तक का पार्ट आ जाएगा, ये ग्राफ उठाया आगे चिपकाया ऐसा आ गया, इसी को उठाया पीछे चिपकाया, तो ये वाली जो चीज है वो कहाँ जाएगी, यहाँ, तो ये वाला ग्राफ फिर जनरेट हो जाएगा, तो ये चमत्कार इनके ग्राफ्स में, मतलब ये पूरा आ जाएगा इस तरह से यहाँ तक, तो ये ग्राफ में पीरियोडिक के ग्राफ, पीरियोडिक फंक्शन के ग्राफ में चमत्कार है, क्या जो उसका पीरियड है उसके लेंथ के बराबर, कहीं पर भी कैंची चला दो एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी कैंची चला दो, बस वो लेंथ कितना होना चाहिए उसके पीरियड के बराबर, सो यू कट अ ग्राफ, a part of the graph of y=fx equal to the period, that part is to be cut, and then you translate this graph ahead and backwards, use aage aur piche translate kar de, translate ya fir you kaun chipka de, to aap payenge pura ka pura graph generate ho jayega, aapne biology mein ek cheez padhi hogi hydra, ek naam ka kabhi padha ho, to hydra kya hota, hydra ek aisa animal hai uski
सात आठ टांगे होती हैं, उसको कहीं से भी एक टांग दो तीन टांग काट दो तो वो वापस पूरी पूरी टांग वहां से ग्रो कर लेता है। ऐसे ही तो था कुछ, ठीक है ना। ये भी ग्राफ कुछ ऐसा ही है, आपके पास सिर्फ उसका इतना हिस्सा होना चाहिए उसके टाइम पीरियड, उसके पीरियड के बराबर का हिस्सा, बाकी पूरा ग्राफ आप जनरेट कर सकते हैं। तो पीरियोडिक ग्राफ बनाने के लिए, पीरियोडिक ग्राफ का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ पीरियड के लेंथ के बराबर का ग्राफ बनाते हैं, और फिर वंस वी मेक दैट ग्राफ वी ट्रांसलेट इट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू गेट द एंटायर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। सो दैट पॉइंट कैन बी यूज्ड। याद है आप, मैंने ये बात, ऐसी ही बात इवन फंक्शन में बोली थी, इवन फंक्शंस का भी हम यूज कर सकते हैं ग्राफ कंस्ट्रक्शन में। बताया था आप सिर्फ x ग्रेटर देन 0 वाला ग्राफ बनाओ, x लेस देन 0 पर तो वही का वही ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरह पीरियोडिक फंक्शंस में, इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन देन ड्रॉ द ग्राफ ओनली ऑन द लेंथ ऑफ इंटरवल इक्वल टू इट्स पीरियड एंड देन दैट ग्राफ कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द एंटायर ग्राफ बाय मियर ट्रांसलेशन। आई होप ये क्लियर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें समझ में आ गया कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है, फंडामेंटल पीरियड क्या है, ये क्लियर हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं, लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखें, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ जीरो बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, अगर जीरो एफ की डोमेन में है देन एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी। ऐसा क्यों? क्योंकि एफ ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस टी, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस टी, फंक्शन की प्रॉपर्टी है। और इसी तरह से एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ, मतलब एफ ऑफ माइनस टी will also be equal to f of minus t plus t, क्योंकि जहां आप खड़े हैं उससे कितने कदम आगे, t कदम आगे चलेंगे तो वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। तो अगर आप माइनस टी पर खड़े हैं तो उससे कितने कदम आगे चले, t कदम, तो वैल्यू रिपीट होगी, यानी f of zero will be equal to f of minus t, so that is the reason। तो कहने का मतलब क्या, periodic function में if you are standing at x then you move t steps ahead or you move t steps backward you will reach the same value। तो यहाँ पर अगर आप जीरो पर खड़े हैं तो जीरो से टी कदम आगे जाएं या टी कदम पीछे जाएं, वैल्यू सेम होगी, वैल्यू विल रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इनवर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इनवर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है? Because they are many one. They are many one. Why many one? भाई f of x plus t और f of x बराबर होता है तो f x पर और f of x plus t पर, x पर और x plus t पर value कैसी आ गई, same आ गई, तो function कैसे होंगे, many one होंगे। Third important point. तो यहाँ तक clear हुआ, every continuous Every constant function continuous on R is periodic with no fundamental period, with no fundamental period. यानी हर कांस्टेंट फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक होगा, लेकिन उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। ऐसा क्यों? मान लीजिए मैं ले देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू वन, ये कांस्टेंट फंक्शन है, पूरे आर पर डिफाइंड है, कंटिन्यूस है। तो ये जो फंक्शन लिखा है, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक बिकॉज इफ आई से एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन, वो भी वन ही होगा and that is nothing but fx। इसी तरह से अगर मैं f of x plus half लिख लूँ तो वो भी वन होगा and that is nothing but again fx।
उसका मतलब इसका पीरियड वन भी है, इसका पीरियड हाफ भी है, इसका पीरियड वन बाई फोर भी है, इसका पीरियड वन बाई एट भी है, तो आप जितना चाहो पीछे जाते जाओ। तो आप कहोगे सबसे छोटा नंबर क्या होगा, बोले सर जीरो से जस्ट अगले वाला नंबर होगा, लेकिन जीरो से जस्ट अगला नहीं बता सकते, बिकॉज द नंबर सिस्टम इज डेंस इन इटसेल्फ, यू कैनॉट टेल वॉट इज द नेक्स्ट नंबर टू जीरो। तो इसलिए इसका कोई फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। आपके दिमाग में आया कंटिन्यूस, सर कंटिन्यूस क्यों बोला आपने, कंटिन्यूस का ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। कई बार देखो जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स, तो आप देखें ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर नॉट टू आर, जीरो छोड़ के बाकी सब जगह डिफाइंड है, और हर पॉइंट इसका किस पर मैप हो रहा है, वन पर। लेकिन क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, नहीं ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। ये फंक्शन पीरियोडिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ग्राफ में रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, ये फंक्शन जीरो पे डिफाइंड नहीं है। तो अगर ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है तो एक फिर आगे भी ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए थे, क्योंकि जिस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन की वो वाली चीज, अगर उसका पीरियड टी है, इफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट जीरो देन इट शुड नॉट बी डिफाइंड एट जीरो प्लस टी अगेन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब जगह डिफाइंड है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, दिस इज अपीरियोडिक, ये अपीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक बोले या फिर अपीरियोडिक बोले, ये बात समझ में आएगी। वैसे अपीरियोडिक इज द प्रिसाइज वर्ड। ये क्लियर हुआ कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, कॉन्स्टेंट है, तो वो पीरियोडिक तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, उसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंटिन्यूस क्यों बोला, क्योंकि कई बार ऐसे एग्जांपल्स भी आ जाते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स, जो कि वन हो गया और फिर आपने देखा ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है, तो अगर ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है तो जीरो प्लस टी पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन और फिर जीरो प्लस टू टी पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो बाकी सब जगह डिफाइंड है, तो इसलिए फंक्शन में रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। क्योंकि अगर फंक्शंस रिपीट करते हैं तो उनकी हर चीज रिपीट करती है, एवरीथिंग। टैन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट पाई बाई टू, पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं होता, लेकिन पाई बाई टू प्लस पाई, थ्री पाई बाई टू पे फिर डिफाइंड नहीं होता, फिर थ्री पाई बाई टू प्लस पाई, दैट इज फाइव पाई बाई टू पे फिर डिफाइंड नहीं होता। यानी उस केस में भी डिसकंटिन्यूटीज जो है, जहां जहां वो ग्राफ टूटता है, वो भी कैसे रिपीट करती है, पीरियोडिकली। तो इस केस में ये डिसकंटिन्यूअस, ये डिफाइंड नहीं है जीरो पर, लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एफ एक्स and gx are both periodic with period t, then it does not imply, that fx plus gx also has period t. I think that is the fourth point, I think. Fourth, fifth, जो भी है। तो ऐसा क्यों, मान लीजिए fx है mod sin x और gx है mod cos x, और mod sin x का ग्राफ हम पहले बता चुके हैं वैसे आपको, so that is the graph of mod sin x, so 0 ye pi ye 2 pi, so that is the graph of mod sin x, aur mod cos x ka graph it is this, that is the graph of y equal to mod cos x। to is case mein agar aap dekhe what is the period, इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड भी पाई है, ये पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, फिर ये थ्री पाई बाई टू, यू कैन सी द पीरियड इज पाई। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड नो डाउट पाई होगा, लेकिन फंडामेंटल नहीं होगा। क्योंकि जब हम, मैंने बताया आपको, जब हम आमतौर पर पीरियड बोलते हैं तो पीरियड का मतलब कौन से पीरियड से होता है, फंडामेंटल पीरियड से होता है। तो इसका पीरियड पाई है,
लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड पाई नहीं है। मान लो मैं इसे एच एक्स कह देता हूँ, आप देखें अपनी आंखों से, एच ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स क्या बन जाएगा, ये कॉस एक्स, और ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स, दैट इज मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स, दैट इज नथिंग बट एच एक्स। उसका पीरियड कितना हो गया, पाई बाई टू, जो कि टी के बराबर नहीं है। तो टी डैश कह सकता हूँ, टी डैश इज नॉट इक्वल टू टी। तो अगर एफ और जी दोनों का पीरियड टी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एफ प्लस जी करने पर जो आएगा उसका पीरियड टी ही होगा, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट पॉइंट, तो हमने साइन का पीरियड देख लिया, कॉस का पीरियड देख लिया, एक चीज ध्यान रखें, मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स मॉड सेक एक्स एंड मॉड कोसेक एक्स एंड ऑल इवन पावर्स ऑफ साइन कॉस सेक एंड कोसेक have period pi, 2 pi, इसका period pi, यानी कोई पूछे sin square x का period क्या होगा, sin square x का period कितना हो जाएगा, it will be pi, mod sin x का period भी pi, cos square x का period भी pi हो जाएगा। तो I hope ये clear हो गया होगा, ठीक है। तो अगला point देखते हैं अब, तो समझ में आ गया, इवन पावर का मतलब मेरे सेकंड पावर कहते ना चाहिए मुझे, सेकंड पावर एंड ऑल सेकंड पावर, सेकंड पावर से बात कर रहा हूं, एंड सेकंड पावर्स ऑफ, सेकंड पावर्स ऑफ साइन कॉस सेकंड कोसेक हैव पीरियड पाई, तो ध्यान रखें। सिक्स्थ पॉइंट, मैंने बताया ना आपको साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होगा पाई, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड भी पाई, नहीं कॉस की पावर फोर का पीरियड थोड़ा चेंज हो जाएगा, देखना पड़ेगा फिर वो। तो अगला वो चेक करना पड़ेगा, वो चेक करेंगे, ठीक है। अब अगला है, नेक्स्ट इज नॉन जीरो इंटीग्रल पावर्स ऑफ टैन एक्स कॉट एक्स आर पीरियोडिक विथ पीरियड पाई, इनका पीरियड भी पाई होता है, नॉन जीरो इंटीग्रल पावर, इसमें कुछ भी पावर करोगे तो आपके पास पीरियड कितना आएगा, पाई आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेवन, इफ एफ एक्स हैज अ पीरियड टी if f(x) has a period t, then f of ax plus b has a period t by a, t by mod a. तो अगर f(x) का पीरियड t है तो f of ax plus b का पीरियड कितना होगा, t by mod a होगा। जरा ये प्रॉपर्टी अच्छे समझ लें, चलिए देखते हैं। एफ एक्स का पीरियड कितना है टी, तो ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या होगा, टी बाई मॉड ए, लेट अस प्रूव इट। सो लेट पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बी टी डैश, उसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ ए एक्स से टी कदम आगे चले तो वैल्यू वापस हमें, टी डैश कदम आगे चले तो वापस वैल्यू हमें एफ ए एक्स प्लस बी ही मिलेगी, यही तो मतलब हुआ। तो दिस मीन्स एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए टी डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी,
और एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको वाई कह देते हैं, एफ ऑफ वाई प्लस ए टी डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई. सो दिस इम्प्लाइज ए टी डैश शुड बी इक्वल टू टी. सो दिस इम्प्लाइज टी डैश शुड बी इक्वल टू टी बाय ए. ये कब किया? अगर ए जीरो से बड़ा है, इफ ए इज पॉजिटिव, तो देन यू विल हैव दिस. लेकिन अगर ए नेगेटिव है, इफ ए इज नेगेटिव, तो आपको पता है अगर पीरियड टी है तो टी, अगर पीरियड टी है तो टी कदम आगे बढ़ो या टी कदम पीछे, वैल्यू सेम आएगी. तो एफ ऑफ ए एक्स माइनस टी डैश प्लस बी विल बी बैक अगेन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी. तो इसका मतलब एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस ए टी डैश विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी. आप इसे क्या बोल सकते हैं? वाई. तो एफ ऑफ वाई माइनस ए टी डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई. सो इट मीन्स माइनस ए टी डैश इज इक्वल टू टी. ए टी डैश लिखने में नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव है, ध्यान रखें. तो टी बाय माइनस ए. तो अगर टी पॉजिटिव है तो आंसर आया टी बाय ए, और टी नेगेटिव तो आंसर आया टी बाय माइनस ए. तो इन दोनों कंबाइन करके कह सकते हैं कि टी डैश की वैल्यू क्या होगी? टी बाय मॉड ए. ठीक, ये क्लियर हो गया, ध्यान रखेंगे. हटा रहा हूं. तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन 2x का पीरियड क्या होगा? साइन 2x का पीरियड होगा 2 पाई बाय 2. साइन 4x का पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाय 4. साइन 3x प्लस 5 का पीरियड क्या होगा? साइन 3x प्लस 5. द पीरियड विल बी 2 पाई बाय 3. आप क्या करेंगे? x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे. कॉस 5x प्लस 7 का पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाय 5. मैंने पूछा कॉस 5x प्लस 7, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 5. तो आप किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से. यू विल गेट द पीरियड ऑफ कॉस 5x प्लस 7. इज इट क्लियर? अब अगला पॉइंट. इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर पीरियोडिक, विद पीरियड टी वन एंड टी टू, then period of fx plus minus gx fx into gx fx upon gx gx not equal to 0 is given as LCM of T1 comma T2. आप क्या करेंगे? T1 और T2 को क्या ले लेंगे? LCM ले लेंगे. You will take the LCM of T1 and T2. That will give you the period of their sum, their difference, their product or division, provided there does not exist a number k greater than 0 which is less than the LCM T1 T2 for which the above mentioned function repeat. Function repeats. क्या बोला गया? कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों का पीरियड, एक का टी वन है एक का टी टू है, तो उनके सम प्रोडक्ट डिफरेंस और डिविजन मल्टीप्लीकेशन का पीरियड क्या होगा? इट विल बी नथिंग बट एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू. और प्रोवाइडेड कब? जब कि एक ऐसा नंबर के ना मिल जाए जो टी वन और टी टू के एलसीएम से भी छोटा हो, जिस पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या कर जाए? रिपीट कर जाए. आप ये लास्ट वाली बात और ये पूरा एलसीएम लेकर क्यों मिलेगा वो समझें. सपोज हमारे पास दो बेल हैं, ए और बी. दिस बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स एंड दिस बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 3 सेकेंड्स. ठीक है,
टाइम t इक्वल टू जीरो पर दोनों स्टार्ट होती हैं, तो इसका बजना एक पीरियोडिक फंक्शन है, उसका बजना भी एक पीरियोडिक फंक्शन, उसका टाइम पीरियड कितना है 2, उसका टाइम पीरियड कितना है 3, तो कितने समय के बाद दोनों एक साथ बजेंगी, ऑब्वियस ही बात है 6, क्यों t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, तो t इक्वल टू 2 पर आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, फिर t इक्वल टू 3 पर, फिर t इक्वल टू 4 पर एक आवाज़ सुनाई देगी, और फिर t इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 4 पर यहाँ कुछ आवाज़ नहीं होगी, फिर अगली आवाज़ t इक्वल टू 6 पर यहाँ भी सुनाई देगी और यहाँ भी सुनाई देगी, यानी कि एक ही आवाज़ सुनाई देगी, सो बोथ द बेल्स विल रिंग टुगेदर आफ्टर t इक्वल टू 6 सेकेंड, यानी इन दोनों के LCM के बाद, वही कुछ यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, fx रिपीट करता है t1 के बाद, gx रिपीट करता है t2 के बाद, अब fx इंटू gx पूरा रिपीट कब करेगा, जब fx और gx दोनों एक साथ रिपीट होंगे, तो दोनों एक साथ कब रिपीट होंगे, LCM t1 t2 के बाद, आई होप ये क्लियर हो गया कि क्यों हमने LCM लिया, अब फिर यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो क्लियर है, फिर उसके बाद ये लाइन क्यों जोड़ी, प्रोवाइडेड देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k ग्रेटर देन 0 एंड फलाना ढिमकाना, ऐसा क्यों, आप देखें fx अभी एग्जांपल लिया था मैं, वही एग्जांपल फिर से ले रहा हूँ, इसका पीरियड है पाई और gx इसका पीरियड भी पाई है, तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो आपको याद होगा पीरियड कितना आया था, पाई बाई 2 fx प्लस gx मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड कितना आया था, पाई बाई 2 आया था, ना कि पाई आया था, द पीरियड इज पाई बाई 2, क्यों, क्योंकि इनका एलसीएम तो पाई आया, लेकिन उससे एक छोटा नंबर मिल गया जिस पर ये पूरा फंक्शन वापस क्या कर गया, रिपीट कर गया, देयरफॉर इन दिस केस द फंक्शन डज नॉट हैव अ पीरियड पाई, रादर इट हैज अ पीरियड पाई बाई 2, आई होप ये क्लियर हो गया, तो इसका मतलब एलसीएम लेकर मैक्सिमम टाइम्स तो पीरियड आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, अगर हमें उससे छोटा नंबर मिल जाए तो वो जो छोटा नंबर होगा जिस पर ये वैल्यू वापस रिपीट कर जाएगी फिर वो पीरियड बन जाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार एलसीएम लेकर पीरियड मिल ही जाएगा, कई बार पीरियड उससे छोटा भी पॉसिबल होगा, तो ये क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई पूरी अच्छे से। अब मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इवन पावर ऑफ साइन और कॉस को हम एनालाइज कर लेंगे कि वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होंगी, तो ज़रा आप देखें, अगर मैं साइन का ग्राफ देखूं, तो ये और फिर ये, दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन 0, ये पाई, ये 2 पाई, तो जब मैं इसकी इवन पावर करूंगा, सपोज मैंने पावर 2 किया, 2 पावर किया, तो 2 पावर में क्या होगा, ये वैल्यूज थोड़ी और नीचे आ जाएंगी, क्यों नीचे आ जाएंगी, ये 1 की तो 1 पर ही रहेगा, आई मीन टू से ये ग्राफ 1 पर तो पाई बाई 2 पर तो वैल्यू 1 ही लेगा, बट बाकी में उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, थोड़ा नीचे आ जाएंगी, नीचे क्यों आ जाएंगी, आप समझ सकते हैं क्यों नीचे आ जाएंगी, क्योंकि जब आप नंबर 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लें उसका स्क्वायर करें तो वैल्यूज थोड़ी कम हो जाती हैं, वैल्यूज विल डिक्रीज, 0.2 का स्क्वायर क्या होता है 0.04, तो वैल्यूज डिक्रीज, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ग्राफ बनेगा तो ऐसा ही, 1 पर तो टच करेगा ही करेगा, यहाँ पर दोनों मिलेंगे ही, लेकिन वो ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और स्क्वायर जब इस वाले पार्ट का करेंगे, ये ग्राफ और ये ग्राफ बिल्कुल सेम है, ठीक, आप समझ रहे हैं, ये ग्राफ और ये ग्राफ बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ वैल्यूज कैसी हैं, नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये जैसा का जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बिल्कुल इसके जैसा, सेम टू सेम ग्राफ विल कम अप, वैसे का वैसा ग्राफ ऊपर जनरेट हो जाएगा, तो जैसे ही आपके आप समझ रहे हैं ये वाला ग्राफ वैसे ही जनरेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर वैल्यू 0 से 1 वेरी करती है तो यहाँ वैल्यू 0 से -1, यहाँ वैल्यू 0 से लेकर -1 वेरी करती है इधर में, तो जब स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल वही हाल होगा जैसा यहाँ हुआ है, तो जैसा ग्राफ ये आया वैसे ही ग्राफ फिर दोबारा जनरेट हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड अब कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब अगर मैं साइन की पावर 4 ले लूँ तो साइन की पावर 4 में क्या होगा, ये ग्राफ थोड़ा नीचे झुल जाएगा और ज़्यादा नीचे झुल जाएगा, तो दिस ग्राफ विल बेंड मोर ऑन द लोअर साइड, लेकिन जैसा हाल यहाँ होगा वैसा ही हाल यहाँ होगा, यानी ये ग्राफ ऊपर आएगा और बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे इसका ग्राफ बना है, इसका मतलब ये फंक्शन भी पीरियोडिक होगा और इसका पीरियड फिर से पाई हो जाएगा। तो वहां पर मैंने मिटा कर क्या लिख दिया था, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ऑल सेकंड पावर्स ऑफ साइन कॉस सेक टेन आर पीरियोडिक विद पीरियड पाई, लेकिन अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं,
ऑल नॉन जीरो इवन पावर्स विल बी पीरियोडिक. क्लियर हुआ? क्योंकि मैं उस चीज को एनालाइज करना चाहता था थोड़ा बाद में, इसलिए मैंने वहां पर सेकंड पावर्स लिख दिया सिर्फ, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स फिर भी देखा जा सकता है. साइन स्क्वायर एक्स कैसे देखो, साइन स्क्वायर एक्स मैंने स्क्वायर क्यों लिखा वहां पर, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 cos 2x/2, ये लिख सकते हो. और इस फंक्शन का पीरियड कितना है बेटा, कॉस का पीरियड कितना होता है 2π, तो कॉस 2x का पीरियड कितना होगा 2π/2 यानी पाई, पाई हो गया. तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स के ऊपर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली से समथिंग अबाउट देम. बट साइन टू द पार 4, साइन टू द पार 6, साइन टू द पार 8 को एनालाइज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला इसको बाद में एनालाइज करेंगे. तो आपको समझ में एनालिसिस के, अब हम ये कह सकते हैं कि साइन और कॉस पर कोई भी इवन पावर चढ़ा दो उसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा. इज इट क्लियर? ये समझ में आया? ठीक, तो ये हुआ. अब दो बातों का जवाब देना, याद करना, क्लास में होते तो ज्यादा बेटर था, लेकिन अभी भी फिर असल में होता है कि क्लास में अगर सामने बैठे होते हैं तो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो जाती है, तो आप बेहतर समझ पाते हैं. यहाँ तो सिर्फ एक ही मीडियम में पढ़ाने का, मैं पढ़ा बोलता जा रहा हूँ तुम समझते जा रहे हो, पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा. कई बार तो मैं ये सोचकर लगता है कि यार पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, ये सोचकर भी घबराहट उठती है कि कहीं खोपड़ी के ऊपर से तो नहीं जा रहा. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझ में आए, लेकिन जब आप क्लास में आएंगे विल अंडरस्टैंड बेटर. तो अब दो सवाल आते हैं कि हम LCM जो निकालते हैं, बचपन में LCM निकालना सीखा, लेकिन सपोज आई हैव अ नंबर ए बाई बी एंड अनदर नंबर सी बाई डी, देन हाउ डू आई फाइंड देयर LCM? तो याद रखें LCM इज ऑब्टेंड एज LCM ऑफ ए कॉमा सी अपॉन HCF ऑफ बी कॉमा डी, दैट इज LCM ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी. दूसरी चीज LCM ऑफ रैशनल विद इरैशनल, विद इरैशनल इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल. रैशनल और इरैशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं है. यानी कोई बोले टू और पाई का, टू और पाई का एलसीएम क्या होगा, आप बोले टू पाई, नहीं, टू पाई उसका एलसीएम नहीं होगा. क्यों? एलसीएम का जो डेफिनेशन है दैट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यही बोलोगे तुम. लेकिन इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो? तो इसका मतलब यह है कि इट इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी, दैट इज व्हाट वी मीन बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी. तो अगर मैं 2 पाई को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा पाई. आपको हो तो गया डिवाइड, बट डेफिनेशन ऑफ डिविजन इज कि जब डिवाइड करें किसी नेचुरल नंबर से किसी दूसरे नंबर को तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनना चाहिए दैट शुड बी एन इंटीजर. लेकिन इस केस में क्वेश्चन इंटीजर नहीं बच रहा, पाई बच रहा है. तो 2 पाई इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर द एलसीएम ऑफ 2 एंड पाई इज नॉट 2 पाई. तो एलसीएम ऑफ 2 एंड पाई इज इन फैक्ट नॉट पॉसिबल. इज इट क्लियर? तो रैशनल और इरैशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं है. एक एग्जांपल देखें, fx इज इक्वल टू sin x प्लस फ्रैक्शनल एक्स, ये कितने अंतराल के बाद रिपीट करेगा, 2 पाई. ये घंटी 2 पाई के बाद बजेगी और ये घंटी t इक्वल टू 1 के बाद बजेगी. तो ये दोनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी, दोनों का एलसीएम लेंगे. लेकिन ये 1 तो रैशनल है और 2 पाई इरैशनल है, रैशनल और इरैशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं है. सो ये फंक्शन कैसा, अपीरियोडिक, दिस इज अपीरियोडिक. आई होप ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है. समझ में आ गया अच्छे से? तो एलसीएम ऑफ रैशनल विद इरैशनल इज नॉट पॉसिबल. फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इरैशनल का पॉसिबल है हमेशा, एलसीएम ऑफ इरैशनल मे और मे नॉट बी पॉसिबल. एलसीएम ऑफ इरैशनल मे और मे नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पाई और 2 पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 पाई, या फिर मैं 2 पाई और 3 पाई कह दूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 पाई. क्यों?
सिक्स पाई को डिवाइड कर लो टू पाई से, कितना आ गया थ्री, तो ये एलसीएम थ्री पाई, इनका सिक्स पाई पॉसिबल है, ठीक है, दैट इज द एलसीएम। लेकिन पाई और ई का एलसीएम, आप सोचो पाई इंटू ई, नहीं, पाई इंटू ई एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि पाई इंटू ई को अगर आप पाई से डिवाइड करेंगे तो ई आएगा, विच इज नॉट एन इंटीजर, एंड अगर आप इसे ई से डिवाइड करेंगे तो पाई आ जाएगा, विच इज अगेन नॉट एन इंटीजर। तो आप कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ रैशनल इरैशनल विद इरैशनल मे और मे नॉट बी पॉसिबल। तो एक बात का जवाब तो मैंने आपको यहाँ दे दिया कि हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ये बता दिया मैंने आपको। दूसरी बात का जवाब हम अगले लेक्चर में देंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ फंक्शंस, उसमें थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करेंगे, या सेकेंड लास्ट हो जाएगा, ठीक। थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।